हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर सिंबल्स चैनल। और फाइनली अभी हमने नया ब्लॉग स्टार्ट किया है और ये ब्लॉग जब जाएगा तो आप जो लास्ट वाला ब्लॉग है चांद रात का वो देख चुके हो, और अभी भी हमारी चांद रात चल रही है, चांद रात या चांद सुबह, क्योंकि अभी बज रहा है सुबह का 4। मैं दिखाती हूँ आपको, इट्स 3:39 और हम बस किचन में ही हैं, क्योंकि पहले हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं, फिर सोचा कि अगर थोड़ी देर के लिए लेट जाएंगे तो फिर उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम कंटिन्यू काम ही कर रहे हैं तब से। फिर माहिब के साथ भी बीच बीच में लग जाते हैं तो थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो दही बड़े की दाल तो हमने लास्ट ब्लॉग में आपने देखा, वो करके रख दी है प्रिपेयर, उसका दही भी मैंने प्रिपेयर कर दिया आधा। और अभी अम्मी बनाएंगी केमामी सेवई और हम बनाएंगे शीर खुरमा, क्योंकि शीर खुरमा खा के जाएंगे लोग ईद की नमाज़ पढ़ने। और ये रहा हमारा केमामी सेवई का डिब्बा, इसमें ये रही हमारी सेवई, इसी से हम बना लेंगे अपना शीर खुरमा, क्योंकि अभी हम इसको घी में फ्राई करेंगे तो हमारा दोनों काम हो जाएंगे। ये रहे हमारे छुआरे, इसको थोड़ा सा वाटर में सोक किया है ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, तो फिर इसको इजीली कट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स भी अम्मी ने सारे कट कर लिए हैं, ये हमारे काजू बादाम और ये रहे नारियल, जो काटने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। और बस धीरे धीरे इसी तरीके से काम होता जा रहा है, 3:30 मतलब 4 बजने वाला है, चलते हैं फटाफट। हमारे फ्राई हो रहे हैं, और अम्मी की सेवई फ्राई हो गई है ये, और ये बाकी फ्राई हो रही है, ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई हो गए हैं, और इसमें से अम्मी हम थोड़ी सी सेवई ले रहे हैं अपने शीर खुरमा के लिए, ठीक है, थोड़ी सी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। बाकी की सेवई भी फ्राई हो गई और ये ले ली है मैंने शीर खुरमा के लिए। ये रहा हमारा घी, घी डालेंगे अपना बर्तन में और डालेंगे एक इलायची, शीर खुरमा इन प्रोसेस है, बस बन रहा है, हम इसमें भी दूध और खोआ डाल के पका रहे हैं, इसको थोड़ा सा पक जाए उसके बाद बस उस थोड़ी देर के बाद अपने ड्राई फ्रूट्स और सेवई डालेंगे। दूध खोल के और अब हम डालेंगे इसमें अपनी सेवई, और बन गया है हमारा शीर खुरमा और अम्मी की भी चाशनी ऑलमोस्ट रेडी है। ये रहा मेरा शीर खुरमा, माशाल्लाह, ये रही अम्मी की चाशनी, शीर खुरमा हो गया है रेडी। उसके बाद अम्मी बैठ के यहाँ पे छील रही थी प्याज, सुबह बनाएंगे बिरयानी उसके लिए। सुबह क्या 5 बज गया है, फैजान चला गया है मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए और मोहित भी, और बस प्याज छील रहे थे हम, इतनी प्याज हमने छील भी ली है, थोड़ी सी और पील करते हैं और खोल के हम बैठे हैं। इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है बाहर से, अम्मी इस टाइम पे डेली नमाज पढ़ के लेटने की तैयारी करते थे नहीं। और प्याज पील हो गई है हमारी और इसको हमने रख दिया है पानी में ऐसे सोक करके, ताकि हम इसको कट करेंगे तो थोड़ा आंसू कम निकलेंगे। एंड फाइनली यहाँ पे दही बड़े अम्मी बना रही थी, लास्ट यही बचा था हमारा। नियाज के बाद फैजान हाफिज जी को बाहर तक छोड़ने गया था। शीर खुरमा भी हमारे बन गए, हमें सेवई भी बन गई और माहिब भी उठ गया है, और बस उसके बाद अभी मोहित और फैजान ने शार ले लिया, रेडी हो गए नमाज पढ़ने जाने के लिए, और इन लोग बस शीर खुरमा खा के जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। तब तक हम मीनवाइल माहिब को भी रेडी कर देंगे और जो भी हमारे पेंडिंग काम है वो सब करके उसके बाद हम लोग तो ऑब्वियसली लास्ट में ही रेडी होंगे। खाने में इतना बिजी है, तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। सैमी माइक से मिलने के लिए आया था जी। Yeah.
शेर का बच्चा, पठान का बच्चा। बेटा कैसे सलाम करते हैं? माहिर, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। ईद मुबारक सोनी। फैजान और मुहित और माहिर सब रेडी हो गए। हम अभी ऐसे ही घर का काम पेंडिंग है और उसके बाद आज माहिर को मिलेगी ईदी। मामू की ईदी कहाँ है क्या? मैं कोई माहिर को ईदी मिलने लगी है। ये गलत बात है। और फाइनली यहाँ पे हम अपनी बिरयानी को लेयर अप कर रहे थे। सारा काम हमारा फिनिश हो चुका था, बस बिरयानी ही रह गई थी और वो भी यहाँ पे डन होने वाली थी। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और अभी हो गई है शाम, आप सभी को ईद मुबारक। और हम सब थक के इतना काम वाम फिनिश करके सब दोपहर में सो गए थे और अभी बस शाम का कितना, मुझे फोन दीजिए थोड़ा, 7:15 हम रेडी हुए हैं थोड़ा सा ऐसे घर पे, क्योंकि अब फैजान के फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। और उसके बाद फिर हम जब सो के उठे हैं तो व्लॉग भी डालना, तो अभी मतलब जब आप ये व्लॉग देखेंगे तब तक लास्ट व्लॉग पोस्ट कर चुके हैं हम। व्लॉग भी एडिटिंग चल रही थी साथ साथ, तो बस उसके बाद थोड़ा सा रेडी हो गए क्योंकि अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया। ऑब्वियसली दिन में इतनी तेज़ धूप रहती है तो कोई कहीं भी आ जा नहीं पाया है। और मोहित भी बैठे हुए हैं यहाँ पे रेडी हो गए, उनको थोड़ा सा अपने ऑफिस का भी काम करना है। ईद मुबारक, आपसे तो बात ही नहीं हुई। ईद मुबारक टू ऑल सुम्बुल्स फैमिली, सुम्बुल्स यूट्यूब फैमिली। और बस थोड़ी देर के बाद मोहित निकलेंगे, बाहर जाना है उनको भी, और चलते हैं फैजान के फ्रेंड्स लोग जो है उनको थोड़ा बहुत सर्व करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। समय बहुत कर रही है, बहुत कर रही है भाई। खा लो बस भाई, शुक्रिया। लो ईद मुबारक बोल लो जल्दी से, चल पैसे दे उसे। ईदी ईदी लेनी है क्या? अभी दी जाएगी, फोन पे कर दे इसके अकाउंट पे। मामू किस पे कर दे अभी इसके अकाउंट पे। बहुत कर रही है समाई दाई बड़ा भी आगे, समाई दाई बड़ा दोनों बहुत कर रहे हैं भाई। अच्छा, आ जाना है खाने में, रिपोर्ट लिखा हुआ थाने में, ठीक है। सही है भाई, कौन है ये लोग? मामू का अकाउंट नंबर मिटा रहा है तुम्हारे अकाउंट नंबर में। कह रही है ये कह रही है आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अकाउंट नंबर क्या होता है? अकाउंट नंबर आउट ऑफ सिलेबस में उसके माहिर। थोड़ी देर के बाद हो सकता है अकबर भाई भी आएंगे, अभी उनसे बात हुई है तो वो भी आएंगे। और अकबर भाई बैठे हैं, उनको कि मामी से वहीं दही बड़े और अपनी बिरयानी टेस्ट करवाते हैं कि कैसी बनी है। वैसे तो ऑलमोस्ट लोगों ने कहा है कि अच्छी बनी, कि मामी से वहीं अम्मी ने बनाई थी बिरयानी, हम लोगों ने मिलके बनाई थी और शीर खुरमा हमने बनाया था। मोहित भाई हमारे यहाँ मतलब की दो तीन रिश्ते हैं, इधर से बहन भाई लगते हैं और उधर से आपका भाई लगते हैं, तो तीन रिश्ते हैं। ये लाइक था, मैंने सुम्बुल अपने तो मैंने उनका चैनल दिखाया, मैंने कहा भाई जाकर सपोर्ट करो, बताया। हाँ, तो क्योंकि हम लोग लाइक एक दूसरे को भाई, हमारी कंट्रीब्यूशन होता है कि ऑडियंस बहुत अच्छी है, वो जितने भी मौदहा वो आपको सपोर्ट करते ही करते हैं। इनफैक्ट दिल्ली वाले भी बहुत सारे लोग देखते हैं। हाँ, दिल्ली में तो मैंने देखा आपका। हाँ, दिल्ली वाले जो ना, नहीं दिल्ली वाले जैसे अभी मुश्किल है, फिर उसको भी है, फिर हमने वहाँ पे दिल्ली वाले भी आपकी भी देखते हैं। हाँ, मैंने दिल्ली में तो आपको देखा मैंने काफी। हाँ, नहीं दिल्ली वाले जो है ना बोला ये भी देखे हैं। एक चीज और है कि हार्ड वर्किंग हो, ये तो मैं हमेशा डिस्कशन करते हैं, तो बोलते हैं एफर्ट आपका दिखा, मैं मेहनत करता रहता हूँ। मेरा मानना ये है कि ऊपर वाला कहता है कि आप अपनी मेहनत में कोई कमी ना रखो, बाकी फल चिंता मत करो, देने वाले मैं बैठा हूँ। मोहित भाई भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं बाजू से और हमेशा रोज डिस्कस करता हूँ, मैंने कहा कि ऐसा होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। नहीं और क्या, हम लोग नहीं करेंगे भाई, तो मेरी फैमिली भी खुद करती है। मैं तो बड़ा फेमस हो गया हूँ खाने में। नहीं ऐसा तो क्योंकि मैं बिरयानी तो खा के ना सिर्फ मैं किवानी से नहीं, ज्यादातर दही बड़ा और ये खाती हूँ दही बड़ा। अच्छा, मौदहा में मैं 10 घर में गया हूँ, मुझे 9 घर में तो दही बड़े मिले ही मिले हैं। मुझे पता नहीं कि मौदहा में ये चलन है नहीं है, लेकिन हमने स्पेशली ईदी कार्ड्स बनवाए हुए हैं, तो ये ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये मुझे पता नहीं था कि लाइक ईद में होंगे नहीं होंगे, तो मैंने नेम नहीं ऐड कराया। हाँ, ईदी कार्ड कस्टमाइज करवा के, पहले ये तो पहले जाना था, फिर मैंने सोचा अब एक हफ्ता रह गया तो प्लीज कर दे। किसने दिया? ऑल गॉड, नहीं मम्मी ने दिया, थैंक यू बोला आपने।
ये बड़ा भी एक्टर बनेगा इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह डॉक्टर में प्लान ही बाकी है। डॉक्टर का अब वो तो मेरे बोर्ड से साइड करेगा। हाँ माँ बाप तो सपने देखते हैं। हम लोगों का तो प्लान है अब इंशाल्लाह जो उसका माँ बाप हम लोगों का तो यही प्लान है। बाकी तरफ अच्छा लगा कि आप आए। पर्सनली बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत ये फर्स्ट टाइम था जब हम लोग मिले हैं। हां हां एज़ अ ब्लॉगर मिले फर्स्ट टाइम। सुबह क्या करके गए थे? मैं कटोरी तोड़ी चला गया। कैसे टूटी थी कटोरी? मैंने उठाई पैर में लग गई गिर गई टूट गई। खुद आंटी ने डांटा था देख कितना बड़ा वाला फाइनली। अभी टाइम हो रहा है 11:45 और सबका आना जाना अब हो गया है। पर अब हम लोग भी चेंज करेंगे, डिनर करेंगे और यह ऐसी रही बस हमारी ईद। और डैडी नहीं थे इस बार तो अच्छा भी नहीं लगा क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि उल्टे सीधे लोग कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ जिनको नहीं पता है प्लीज़ पूछ लें, बट कुछ भी कमेंट ऐसे ना करें। मेरे फादर अल्हम्दुलिल्लाह हैं और ही इज़ इन CISF इन पैरामिलिट्री और एयरपोर्ट पे हैं उनकी ड्यूटी इस टाइम पे। ही इज़ पोस्टेड इन बैंगलोर ड्यू टू इलेक्शंस। उनको छुट्टी नहीं मिल पाई, ऑफ नहीं मिला, इस वजह से वो ईद में नहीं आ पाए हैं। बट ऑब्वियसली आफ्टर इलेक्शन जब भी उनको टाइम मिलेगा तो फिर वो आएंगे। सो इस वजह से वो मौदहा हमारे साथ इस बार ईद नहीं सेलिब्रेट कर पाए। लेकिन ऑब्वियसली डैडी हमने आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया, वी मिस यू सो मच। और बस इसी तरीके से हमारी ईद निकली और माइप के साथ भी, माइप की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अभी उसको सुला दिया है, हमने आराम से सो गया है वो। और बस अब हम लोग चलेंगे चेंज वेंज करके डिनर करेंगे और हम सोच रहे हैं अब इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करें क्योंकि आज ईद का दिन भी हो गया और ईद का जो ब्लॉग था ये यहीं तक जाएगा। मोहित और फैजान लेटे हुए, अभी इनसे पूछते हैं कि इन लोग को कैसा लगा आज और कैसा रहा इनका आज का दिन। कैसा था आपका आज का दिन? नाइस, ईद के जैसा था। और हमारे तरफ से मतलब मेरे तरफ से आपके सुम्बुल के सारे व्यूअर्स को वंस अगेन हैप्पी ईद मुबारक। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हम सबको दुआ में याद रखें, दुआओं में याद रखें, बी हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस, दैट्स ऑल। फैजान तुम कुछ बोलोगे? हाँ ऑफ कोर्स, आप सभी को ईद मुबारक। एंड दुनिया में देख रहे हैं ऑफ कोर्स फिलिस्तीन कि वहाँ पे बच्चों ने पता नहीं ईद पढ़ी भी है, नए कपड़े पहने, नए कपड़े तो ऑफ कोर्स नहीं पहन पाएंगे उनकी जो हालात है। एंड हम अपने घर से सोच रहे थे डैडी इस बार ईद में नहीं, तो इतनी अजीब लगी नहीं रही कि ईद है। ऑफ कोर्स वो ईद का साथ में आना है, फिर हक करना, एक ही तो मौका मिलता है साथ में अब्बा को हक करने का। लोग कुछ भी जाने वाले कमेंट कर देते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिए या फिर ब्लॉग देखिए पहले वाले। और बाकी हम सबकी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक और डॉक्टर सुम्बुल कैसे सपोर्ट करिए। मेरे चंटू वंटू मोहित और फैजान, इन लोगों ने जैसे जो भी लाइंस बोली आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। और इस ब्लॉग की हम एंडिंग यहीं करते हैं, इसी तरीके से बस अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अपने लाइफ का हर एक छोटा छोटा हिस्सा दिखा सकें क्योंकि देखिए अभी माए भी हमारे साथ तो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हर टाइम शूट करना। हम भी कभी कभी इरीटेट हो जाते हैं क्योंकि उसको भी देखना है, क्योंकि वो कभी कभी रोता है, क्रैंकी होता है, इरीटेट होता है और शूट भी करना है, तो कई चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो बस इसी तरीके से आप भी थोड़ा सा हमारे साथ ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश आपको ऐसे खुश करने की करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग।